ट्रैफिक के नए नियमों में 10 गुना से भी ज़्यादा चालान भरने के खौफ के बीच एक बड़ी खबर है। अगर आपके पास वाहन चेकिंग के समय पेपर नहीं है तो बिल्कुल भी ना घबराएं। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं ऐसे उपाय के बारे में जो पिछले साल से ही यानी 19 नवंबर को एक एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, लेकिन उसके बारे में कई पुलिसकर्मियों को जानकारी नहीं है या वे जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों को 10 गुना ज़्यादा तक चालान भरना पड़ रहा है। जहां कुछ राज्यों ने ट्रैफिक के इस नियम को अब तक लागू नहीं किया है, वहीं कई राज्यों ने इसका सख्ती से पालन किया है, जिससे जनता में काफ़ी आक्रोश भी देखा जा रहा है। कहीं चालान की वजह से पुलिस के डंडे खाते लोग दिख रहे हैं, तो वहीं खुद पुलिस भी नियमों के उल्लंघन करने पर पब्लिक के सवालों और डंडों के शिकार हो रहे हैं। इसे देखते हुए वाहन चालकों से डिजिटल डॉक्यूमेंट स्वीकार करने के बारे में राज्यों को नए सिरे से एडवाइजरी जारी की जाएगी। पिछले साल नवंबर में जारी एडवाइजरी में सभी राज्यों के प्रधान सचिवों, परिवहन सचिवों, पुलिस महानिदेशकों को कहा गया था कि अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट या प्रदूषण प्रमाण पत्र को डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन रूप में वैसे ही माना और स्वीकार किया जाएगा जैसे कागजी दस्तावेज माने और स्वीकार किए जाते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंट कागजी दस्तावेजों की तरह ही कानूनी रूप से मान्य है, इसलिए पुलिसकर्मी इन्हें स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे सूचना मिल रही है कि पुलिसकर्मी इसे मानने से इनकार कर रहे हैं, खासकर छोटे शहरों में ये समस्या आ रही है। दस्तावेजों की तस्वीरों को डिजिटल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। इसके लिए सड़क मंत्रालय के एम परिवहन ऐप और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल ऐप को डाउनलोड कर दस्तावेज हासिल करने होंगे। ये ऐप आपको DL, RC इंश्योरेंस, परमिट, PUC के बारे में पूरी जानकारी देंगे। एम चालान ऐप में डिजिटल वाहन या परमिट का नंबर डालते ही पूरा डॉक्यूमेंट सामने आ जाएगा। इसमें वाहन का ई चालान कितनी बार हुआ है ये भी पता चल जाएगा। इसमें किराए पर ली गई टैक्सी, ओला, उबर जैसे एग्रीमेंटर के चालान की भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। डिजिलॉकर उतना ही सुरक्षित है जितना ऑनलाइन बैंक अकाउंट। नए मोटर व्हीकल एक्ट के नाम पर वाहन चालकों को परेशान करने की शिकायतों को उच्च अधिकारियों ने गंभीरता से लिया है। IG यातायात दीपक रतन ने SUV और ऐसे अन्य वाहनों की चेकिंग कराने का निर्देश दिया है। कहा है कि केवल कागज चेक करने के लिए वाहनों को ना रोका जाए। हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर वाहनों को रोका जाए। IG ने कहा कि चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान करने वाले यातायात कर्मी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।